जब भी घर जाती हूँ मम्मी मुझे कहती हैं सबा बाल नहीं काटना, सबा बाल अब नहीं काटना, तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मी नहीं काट रही, अब देखें ये पूछ वंची काटे हैं। पर लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं तेरे नाम का सलमान खान तो नहीं लगे सपोर्ट भी करना है। वहाँ पर जो है मेरा हेयर कट कम्प्लीट हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हों कि सबा हमें काटने का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट कमेंट अलाउ करने हैं या नहीं, तो नहीं मुझे ये नहीं करने हैं, सबका एक एक कमेंट ही जो है वो अलाउ करना है, ठीक है। यहाँ पर 122 कमेंट कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बाल देख लो जो मैंने काफ़ी टाइम से कट नहीं करवाए हैं और ख़ुद भी कटिंग नहीं की। उसकी वजह यह है कि मेरी अम्मी को पसंद नहीं है कि मैं बाल कटवाऊं। जब भी घर जाती हूँ अम्मी मुझे कहती हैं सबा बाल नहीं काटना, सबा बाल अब नहीं काटना, तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मी नहीं काट रही, अब देखें ये पूछ बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं काट रही इनको। पर लेकिन आज मैंने एक हैक देखा था बाल काटने का, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े से काट लेती हूँ, इसमें कौन सा इतने ज़्यादा बाल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने भी सेंटर मांग निकाली है और उसके बाद उसी तरह मैं सेक्शन लूँगी जिस तरह से हैक ट्राई किया गया है उस वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल सेम मैंने वैसा ही कट करना है और दुआ करूँगी कि सही से कट हो जाए, ठीक है। तो उसी सेक्शन में जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है वी शेप में जो है मैंने ये सेक्शन लेना है और मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल ले रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो मेरी अम्मी भी देखती हैं, ऐसे वो एतराज़ करेंगी, ठीक है। दोनों साइड से मैंने बाल ले लिए हैं और ये दूसरे बाल मेरे इसलिए बार बार जो है वो बीच में आ रहे हैं क्योंकि मैं सेंटर मांग नहीं निकालती हूँ, मैं साइड मांग निकालती हूँ। तो जब मैं सेंटर मांग निकालती हूँ ना तो मेरे बाल जो हैं वो रुकते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं क्योंकि मैंने कभी निकाली नहीं है। यहाँ पर मुश्किल से मैंने जो है सेक्शन सेट कर लिया था और यहाँ पर मैंने पिन लगा दी है ताकि ये बाल मुझे तंग ना करे कटिंग करने में। यहाँ पर जो बाल मैंने लिए हैं उनको मैंने जो है कॉम कर लिया है, सीधा कर लिया और पानी के साथ जो है मैंने इसको जो है गीला कर लिया क्योंकि गीले बाल जल्दी कट होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ ये लेयर कट है, अगर मैं सिंपल लेयर कट काटूँ ना तो मुझे बहुत ईजी है, पर यह एक हैक है। अगर आप लोगों से कटिंग नहीं होती है फ्रेंड्स, से आप भी चाहते हैं इस तरह का एक एक लेयर काटना, तो आप इस तरह से जो है हैक ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक हैक है इसीलिए मैं इसको हैक के तरीके से ही कट करूँगी। तो ये दोनों सेक्शन मैंने पकड़ लिए हैं और एक को उस साइड पे कर दिया और दूसरे को दूसरी साइड पे, ठीक है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया। और यहाँ पर मैंने इसको फिर से कॉम करके सीधा किया है और इसको मैं पिन लगा रही हूँ ताकि ये जो है जब मैं दूसरा सेक्शन काटूँ तो उसमें मुझे तंग ना करे, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने पिन लगा ली है और अब मैंने ये वाला सेक्शन पकड़ लिया है और इसको मैं एक दफ़ा कॉम करूँगी और उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने काफ़ी टाइम से बाल काटे नहीं हैं तो यहाँ पर मैं बाल पकड़ के खुद भी सोच में पड़ गई थी कि कितनी लेंथ रखूँ। खैर मुझे इतनी लेंथ रखनी है जो मेरे कान के पीछे आ जाए और मुझे तंग ना करे क्योंकि अभी गर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, गर्मियाँ अभी बाकी हैं। तो यहाँ पर इस एंगल में मैंने बाल कट करने हैं, ठीक है। ये लेयर इस तरह से लेकर जानी है जितना, मतलब जिस तरह से मैं अपनी फिंगर के साथ इस एंगल में मैं रख रही हूँ ना, उस एंगल में रख के जो है लेयर कट करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ देख लेनी है कि कितनी आपने रखनी है, तो मैं ये इतनी सी रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो है बालों को कट कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि ये हैक जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इन बालों को काट दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल जो है कट चुके हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बाल नहीं काटे हैं और काफ़ी टाइम से नहीं काटे हैं, ठीक है। दूसरी साइड से भी उसी तरह से पकड़ के मैंने पहले स्ट्रेट करके पकड़ा है खींच के, उसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखिए किस एंगल में मैं रख के बाल काट रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। तो ये देखिए मैंने बाल काट लिए हैं और अब मैंने सारे बालों को कॉम किया है और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकला है। और इसके बाद ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो है नीट लुक लगती है और नेचुरल सी लगती है, ऐसा नहीं लगता कि जो घास काटने वाला होता है ना उससे बाल काटेंगे, इस तरह से नहीं लगता, से थोड़ा जो ये है ना नेचुरल लुक लगती है। तो ये कटिंग करना नीट करना ज़रूरी होता है फिर बाद में, ठीक है। तो इसके बाद अब बाल जो देखते हैं किस तरह का जो है ये है किस तरह का लगता है। थोड़ा मुझे हो भी रहा था, फ्रंट से बाल जाहिर है फेस के आगे रहते हैं तो अब ज़्यादा तो मैंने नहीं काटे हैं, पर लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं तेरे नाम का सलमान खान तो नहीं लग रही लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता कि लग रही थी। यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेटनर के साथ बालों को जो है अंदर की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। इससे जो है पता चल जाएगा कि कटिंग किस तरह की है, बाल किस तरह के लगेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि वीडियो में जो है जो जिस तरह से मैंने कहा था कि कमेंट पिकर में एक विनर सिलेक्ट करूंगी और उसका लिंक दूंगी, तो आज की वीडियो में
वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा कि किसका नाम आया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में भी आप उसी तरह से कमेंट करेंगे जिस तरह से कल की वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट किया है, और आज की वीडियो के कमेंट जो है वो मैं कल की वीडियो में पिक करूँगी और फिर से लिंक लगा दूँगी। इस तरह से आप सबकी हेल्प जो है होती रहेगी, और ये मैं तब तक करूँगी जब तक मैं देखूँगी कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो, ठीक है। और आप लोगों ने एक दूसरे को लाजमी से सपोर्ट भी करना है। यहाँ पर जो है मेरा हेयर कट कंप्लीट हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हों कि सबा हमें काटने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छे भी लग रहे थे। तो चलिए यहाँ पर जो है अपना विनर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, यहाँ पर मैं अपने चैनल में जाऊँगी और कल वाली वीडियो जो है वो सिलेक्ट करूँगी। अपने योर चैनल पर मैंने क्लिक किया है, उसके बाद जो है यहाँ पर वो वाली वीडियो जिसके नीचे आप सब ने कमेंट किया है मैंने उसको ऑन किया है, और यहाँ पर शेयर पर क्लिक किया है, उसके बाद कॉपी लिंक किया है और यहाँ पर से मैंने बैक कर दिया है, और फिर इसके बाद मैंने गूगल क्रोम ऑन किया है, वहाँ पर मैंने यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर निकाला है, और ये वाले जो है मुझे सबसे सही लगा था, मैंने सुबह ही ये जो है ढूंढ कर निकाले थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है वो लिंक, और यहाँ पर जो है ब्लू वाले पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सर्च करूँगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट कमेंट अलाउ करने हैं या नहीं, तो नहीं मुझे ये नहीं करने हैं, सबका एक एक कमेंट ही जो है वो अलाउ करना है, ठीक है। यहाँ पर 122 कमेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। अब विनर देखते हैं कौन है। तो यहाँ पर विनर है रुमैसा व्लॉग, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रुमैसा, आपका जो है आज लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और जिन लोगों का नाम नहीं सिलेक्ट हुआ है वो लोग दिल छोटा नहीं करें, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं खुद को कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं मानती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं तो फिर मैं ये कर रही हूँ आप लोगों के कहने पर, तो ये डेली में जो है ये मैं करने वाली हूँ, तो हो सकता है कल आपका नाम आ जाए। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, इससे आपका नाम ऊपर आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये है रुमैसा व्लॉग का चैनल, और ये व्लॉग बनाती हैं मेकअप पर भी और जो है कुकिंग भी करती हैं, रैंडम वीडियो जो है ये अपलोड करती हैं। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ वीडियो को एंड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।